हेलो दोस्तों, मेरा नाम केविन फ्रांसिस। मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कैनेडियन स्टूडेंट वीजा के बेनिफिट्स के बारे में। मैं 2015 में आया था कनाडा में एक इंटरनेशनल नर्सिंग स्टूडेंट बनके। आज मैं एक परमानेंट रेजिडेंट हूँ। मेरे साथ उसके साथ साथ मेरा आरएन लाइसेंस भी हो गया। तो मैं सोचा कि वीडियो बना देते हैं, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि हर साल बहुत बच्चे इधर आते हैं कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के। तो पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के कनाडा में आएंगे, आपको पढ़ाई के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जब कॉलेज बंद है तो आप फुल टाइम भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ कॉलेज के कैंपस में नहीं, आउट ऑफ कैंपस भी आप काम कर सकते हो। उसके अलावा ये है कि आपके कोर्स के ड्यूरेशन के हिसाब से आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा जब कोर्स खत्म हो जाता है। तो जैसे सोच रहे हो कि अगर आपने 1 साल का कोर्स लिया तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, अगर आपने 2 साल का कोर्स लिया तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। उसके साथ साथ ये है कि अगर आपने शादी किया है तो आप अपने वाइफ या हस्बैंड को कनाडा में लेके आ सकते हैं, और वो लोग और जो आएगा वो फुल टाइम काम भी कर सकता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जो लोग इधर परमानेंट रेजिडेंट होके इधर सीधे आते हैं, उन लोगों को, बहुत लोगों को असाइनमेंट्स या दूसरा कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि अपना प्रोफेशन में काम करने का लाइसेंस मिलने के लिए। जैसे मैं इधर इंटरनेशनल नर्सिंग स्टूडेंट बन के आया था, और 2 साल का जो एजुकेशन है वो मुझे बहुत हेल्पफुल था। जब मैं अपना नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई किया अपना आरएन का लाइसेंस के लिए, मेरा प्रोसेस जल्दी हो गया और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए भी मुझे बहुत हेल्पफुल था। तो वो कैनेडियन एजुकेशन आपको अपना करियर में आगे बढ़ने के लिए भी हेल्पफुल करता है। और तीसरा मेन बेनिफिट यह है कि अगर आपको IELTS में अच्छा स्कोर नहीं मिल रहा है, जैसे अगर आपको, जब मैं इंडिया में था, जब इंडिया में काम करता था, मैं सोचता कि यूके चला जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाए काम वर्क परमिट में या वर्क वीजा में, लेकिन वो वर्क वीजा मिलने के लिए मुझे IELTS में सभी में 7 7 चाहिए था, लेकिन मुझे हमेशा राइटिंग में 6.5 ही मिलता था। सो इसलिए मैं कनाडा में आ गया स्टूडेंट वीजा में। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट आपको एक बेनिफिट ये देता है कि अगर आपने कनाडा में एजुकेशन कर रहा है या स्टूडेंट आपने स्टूडेंट बन के आया और कोर्स लिया है और कंप्लीट केस के लिए आपको 15 पॉइंट मिलता है एक्सप्रेस एंट्री में, और आपने 1 साल अगर कनाडा में काम भी किया OAB कैटेगरी में, आपको एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिल जाएगा। सोच लो अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई किया है और एक्सप्रेस एंट्री में आपका पॉइंट कम है तो पॉइंट बढ़ाना है, तो अगर आप स्टूडेंट बन के इधर आएंगे ऑटोमेटिकली 15 पॉइंट मिल जाएगा, और उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मिल गया तो और पॉइंट मिल जाएंगे। तो मुझे वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि मैंने 1 साल कोर्स खत्म होने के 1 साल के अंदर ही अंदर मेरा PR हो गया था। तो मेरा, क्योंकि मेरे पास बैक होम बैचलर्स था और मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, तो जैसे मैंने इधर का एजुकेशन IELTS और एक्सपीरियंस रख दिया, तो मेरा मेरा पॉइंट अपने आप बढ़ गया और एक्सप्रेस एंट्री पूल से मैं सेलेक्ट हो गया। और उसके साथ साथ अगर आपके पास 1 साल या 3 साल का वर्क परमिट है तो आप दूसरे प्रोविंस में भी मूव हो सकता है और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए कोशिश कर सकता है। अगर वो भी बहुत आसान से मिल जाता है, 6 मंथ्स या 1 ईयर में मिल जाता है, अगर वो मिल गया तो ऑटोमेटिकली आपका PR भी हो जाता है। तो ये है मैंने जो देखा है कनाडा में स्टूडेंट वीजा लेके आने का मेन बेनिफिट ये है मैंने देखा है। तो बहुत स्टूडेंट जो भी आते हैं वो सभी को PR मिल जाता है ऑटोमेटिकली। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा मुश्किलों के सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरी में तो PR तो मिल जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, और उसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू।